हाय गाइस, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टैटिक सॉल्यूशन में। मेरा नाम है अमरपाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एंटी स्टैटिक रिस्टबैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन सा एंटी स्टैटिक रिस्टबैंड जो है वो बेस्ट होता है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए जिससे कि हमें स्टैटिक सॉल्यूशन मिले, जिससे हमारी बॉडी का स्टैटिक चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाए इजीली। कौन सा एंटी स्टैटिक रिस्टबैंड सबसे अच्छा काम करता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और जो बेसिक रिस्टबैंड आप देखेंगे वो एक ये होता है, इसमें कि कोड लगी होती है ग्राउंड करने के लिए और ये होता है पहनने के लिए। इसमें कई तरह के ब्रांड भी आते हैं अलग अलग, जैसे ये आता है प्लेन पॉलीबैग में आता है, इसका कोई ब्रांड नहीं मेंशन होता है। इसी में कई बार ऐसा आता है जिसमें आप ये देखेंगे लैपो लिखा रहता है, चाइनीज होता है, इस तरह की पैकिंग में आता है, सेम ब्रांड होता है और एक कोड लगी होती है। इसके अलावा कई बार ऐसी पैकिंग में आता है, ये होता है पॉस का रिस्टबैंड, इस पर मेक USA लिखा होता है। कई बार ये ओरिजिनल भी होता है, कई बार ये भी चाइना से आया होता है, बस कॉपी होती है ओरिजिनल पॉस की। ओरिजिनल पॉस कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, काम सेम करता है। इसमें भी एक बैंड है और एक क्लिप है, सेम चीज़ जैसे है। इसमें दो पार्ट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये क्लिप होती है, बटन लगा होता है, और ये दूसरी तरफ क्लिप, और दूसरा ये बैंड होता है। अच्छा, जो बैंड होता है काम कैसे करता है, ये जो बैंड है मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसके अंदर एक ये ब्लैक कलर के कंडक्टिव फाइबर के धागे लगे हुए होते हैं जो कि कंडक्टिव होते हैं। इसमें दिख नहीं रहा, पास से दिखेंगे तो दिख जाएगा। तो जब इसे पहनते हैं तो एक तो ये कंडक्टिव धागे हमारी रिस्ट में लग जाते हैं, और दूसरा इसके पीछे ये जो मेटल है ये थोड़ा सा चिपकता है हमारे इस रिस्ट से, तो ये स्टैटिक चार्ज को पास करता है। जैसे इसे पहन के मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कई बार हम इसे पहनते हैं लेकिन ये बहुत लूज होता है। जैसे यहाँ मैंने पहन लिया तो ये प्रॉपर टच नहीं है, काफ़ी लूज है, यहाँ पे यहाँ से भी लूज है। अगर ऐसे में आप इसे पहन के रखेंगे तो पहनने कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये काफ़ी लूज रहेगा और आपकी बॉडी का स्टैटिक चार्ज पास नहीं कर पाएगा। इसे जब भी इसे पहने तो एक तो ये क्लिप जो है हमेशा लगी होनी चाहिए, प्लस ये जो है थोड़ा टाइट होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये टाइट है, और इसको जो है ग्राउंडिंग, जो आपकी ग्राउंडिंग वायर जा रही होती है उससे कनेक्ट करना जरूरी होता है। अगर इसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये स्टैटिक चार्ज पास नहीं होगा, फिर इसे पहनने कोई यूज नहीं हो पाएगा। जहाँ भी इसे कनेक्ट करें मेक श्योर करें कि ग्राउंडिंग प्रॉपर हो रही है, ग्राउंडिंग वायर जहाँ पे कनेक्ट किया प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर पास ऑन हो रहा है। देखिए, इसको मैं चेक करने का दो तरीका दिखाता हूँ आपको। एक तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये जो कंडक्टिव बैंड है ये एंटी स्टैटिक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास SRN01 है, इसमें हम लगा के देख सकते हैं कि ये एंटी स्टैटिक है या नहीं। इस पे रख के जब थोड़ा सा टाइटली इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंडक्टिव दिखा रहा है, मतलब ये बैंड जो है ये कंडक्टिव है, ठीक है। इसीलिए जब इसको पहनते हैं तो प्रॉपर टच होना जरूरी है, अगर टच नहीं है तो फिर कितना भी कंडक्टिव हो पास ऑन नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है इसको चेक करने का प्रॉपर तरीका कि ये एक्चुअल में रिस्टमेंट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका क्लिप निकाल के एक ये मीटर आता है, रिस्ट स्ट्रैप टेस्टर बोलते हैं इसको, रिस्ट स्ट्रैप टेस्टर। इसमें दो तरह का ये पॉइंट बनाता है, अगर बटन टू बटन इसके बट यहाँ कई बार क्लिप की जगह बटन लगे हुए होते हैं तो बटन को यहाँ लगाना होता है ऊपर वाले में, और अगर क्लिप लगा तो क्लिप को हटा के आप इसे इसमें लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस करेंगे चला जाएगा। अब प्रेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके लिए सिर्फ आपको ये बटन दबाना होता है। अगर आप बटन दबाएंगे देखो ग्रीन लाइट जलेगी, इसका मतलब ये कोड आपकी और रिस्टमेंट काम कर रहा है। और अगर जैसे मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पहनता हूँ, ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लूज हो जाने के बाद कई बार काम नहीं करता। जैसे ये थोड़ा सा शर्ट के ऊपर अगर मैं कर लूँ जहाँ प्रॉपर टच नहीं होगा, आपने पहना हुआ नहीं है तो ये रेड दिखा देगा, ठीक है। इसको आप पहन लेंगे तो फिर वापस वो ग्रीन कर देगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि आपका जो रिस्ट बैंड है काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको रिस्ट बैंड का एक दूसरा टाइप भी दिखाता हूँ। ये हमारा पहले टाइप का रिस्ट बैंड था,
इसको बोलते हैं ईएसडी एंटीस्टैटिक रिस्ट बैंड, B2C बोलते हैं कई बार, क्योंकि ये बटन टू क्लिप आती है, कई बार B2B भी आता है, उसमें दोनों तरफ बटन लगे होते हैं, जैसे इधर बटन लगा ऐसे इधर बटन लगा रहेगा, ऐसे B2B बोलते हैं, ये B2C है, बटन टू क्लिप रिस्ट बैंड, इसमें एक बैंड होता है और एक कोड होती है, नॉर्मल सबसे नॉर्मल यही चलता है। इसके और वेरिएशन जो आते हैं मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए, कई बार पोस्ट मेक का आता है, कई बार ये लैको मेक का आता है, काम सारे सेम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। इसके अलावा जो एक रिस्ट बैंड आता है वो ये रिस्ट बैंड होता है, इस रिस्ट बैंड की खासियत यह है कि ये मेटल रिस्ट बैंड है, जो आपने मैंने पहले रिस्ट बैंड दिखाया था उसके अंदर ये पार्ट कंडक्टिव फाइबर का बना हुआ था, उसमें कंडक्टिव धागे लगे हुए थे, इस रिस्ट बैंड में उसकी जरूरत नहीं है, ये पूरा मेटल का है, तो कंडक्टर सबसे अच्छा मेटल ही होता है, अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सीधा पहन लो और ये आपका रेडी है। इसको भी सेम ग्राउंडिंग में अटैच कर दो, ग्राउंडिंग वायर में आपसे पहन के आराम से काम कर सकते हो, स्टैटिक चार्ज भी आपकी बॉडी से पास ऑन कर देगा। मैं आपको ये भी चेक करके दिखा देता हूँ, इसका भी वही सेम क्लिप निकाल के मीटर में लगाना है और उसके बाद बटन दबाना, जब ये ग्रीन शो करेगा, पहना हुआ है ग्रीन शो कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। बाकी इसका स्ट्रैप को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेटल है तो ये कंडक्टर है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। इसके अलावा एक और रिस्ट बैंड आता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रिस्ट बैंड, ये ब्रदर्स का रिस्ट बैंड है, कोर्डलेस रिस्ट बैंड। कोर्डलेस रिस्ट बैंड इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि दिखाना कि कोर्डलेस रिस्ट बैंड, देखिए कोर्डलेस रिस्ट बैंड लोग क्यों खरीदते हैं अभी तक इसका कोई मुझे सोल्यूशन समझ में नहीं आया। एक कोर्डलेस रिस्ट बैंड जो है बेसिकली स्कैम होता है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए रिस्ट बैंड का काम यही है कि आपकी बॉडी का स्टैटिक चार्ज ग्राउंड करे। ग्राउंड करेगा कैसे, जब उसके अंदर जो कोड लगी है उस कोड को आप किसी ग्राउंडिंग वायर से अटैच करेंगे। तो ये जो कोर्डलेस रिस्ट बैंड आते हैं, कोर्डलेस नाम से ही पता है कि इसमें कोड ही नहीं है, अगर इसमें कोड होगी नहीं तो ये बॉडी का स्टैटिक चार्ज ग्राउंड करेगा कैसे। तो ये जो कोर्डलेस रिस्ट बैंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्कैम है और कुछ नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। आप कहीं भी सर्च करेंगे किसी भी तरह से तो आप देखेंगे इसका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं इसे पहनने से, सिर्फ एक स्कैम है। कई बार जो विजिटर्स आते हैं उन्हें पहना दिया जाता है, अदरवाइज इसको पहन के काम तो नहीं किया जाता, फिर भी लोग मानते नहीं है, कई बार मानते हैं तो इसलिए हमने स्टॉक में रखा हुआ है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। इसका जो ये पार्ट होता है ये भी कंडक्टिव होता है, इसमें देखेंगे आप काली काली पट्टियाँ लगी, कंडक्टर कंडक्टिव स्ट्रिप है, और ये जो है इसमें भी मेटल लगा हुआ है, सब कुछ सेम है, इस तरह से ये बैंड है पूरा, लेकिन जब तक इसमें कोड नहीं लगेगी इसका स्टैटिक चार्ज ग्राउंड करने का कुछ है नहीं इसमें ऑप्शन, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये इसके साथ एक और ये आता है कि जब ये ख़राब हो जाए तो इसका जो स्ट्रैप दोबारा चेंज कर लिया जा सके, और आप चेंज भी कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन अगर इसमें कोड ही नहीं दी जाएगी ग्राउंड करने के लिए तो इसका कोई पर्पज सॉल्व नहीं करता है जिसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक रिस्ट बैंड और आता है, उसके अंदर ये जो कोड है सॉरी ये जो स्ट्रैप है ये मेटल का होता है, पर आप फिर वही बात है कि मेटल का यूज़ कर लो या कॉपर का यूज़ कर लो, किसी का भी यूज़ कर लो, जब तक इसमें कोड लगा के इसका स्टैटिक चार्ज को पास ऑन होने के लिए ग्राउंड से अटैच नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो आज का यही टॉपिक था कि ग्राउंडिंग कोड कौन सा यूज़ करना चाहिए सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट तो आप ये यूज़ कर लीजिए, नॉर्मल B2C ग्राउंडिंग कोड, सॉरी B2C रिस्ट बैंड एंटी स्टैटिक। फिर भी इसमें क्या होता है कई बार ये लूज हो जाता है तो फिर स्टैटिक चार्ज पास नहीं हो रहा होता, बार बार हमें चेक भी करना पड़ता है, लेकिन अगर आप और भी पैसे खर्च कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट तो ये मेटल वाला है, क्योंकि अटैच रहता है, और थोड़ा सा भी अटैच रहेगा तो पूरी बॉडी का स्टैटिक चार्ज पास करेगा, थोड़ा सा भी अटैच रहेगा तो ईजिली फ्लो कर देगा। बाकी सबसे जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ये प्रॉपर, ये भी काम करता है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ओके है। ठीक है गाइस, अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है स्टैटिक चार्ज को रिलेटेड, एंटी स्टैटिक ESD से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो दो मीटर यूज़ किए थे उसमें एक था ये रिस्ट बैंड टेस्टर और एक था मेरा ये सरफेस रेजिस्टिविटी मीटर। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आप परचेज करना चाहते हैं
या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।